और फोटो कॉपी का मतलब क्या है, फोटो कॉपी अगर मान लीजिए आपका ओरिजिनल नहीं है, हो गया या फड़ गया या नहीं मिल रहा है आपके पास उसकी फोटो कॉपी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फोटो कॉपी है उसकी ओरिजिनल कॉपी थी ना, जो पृथ्वी पर जो तंबू बनाया गया था वो क्या है, वो फोटो कॉपी है। किसकी फोटो कॉपी है? स्वर्गीय पवित्र मंदिर की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग में है जहां लिखा है सात कलीसियाओं के नाम पत्र, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो संदेश है वो प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 20वें पद से है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 17 पद से लेकर 19 पद तक। और पिछले संदेश में हमने क्या सीखा था कि हमने सीखा था यूहन्ना उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया, वह कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवता हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, जो बातें तूने देखी हैं, जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं उनको लिख ले। इन सब विषयों के बारे में हमने सीखा था। आज मैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके 20वें पद के बारे में जो है सीखेंगे। ये 20वां पद जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय का, ये 20वां आखिरी पद है यानी पहले अध्याय का जो है। और इसको मैंने सिंगल क्यों लिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है भेद छुपा हुआ है, बहुत से भेद हैं और उन भेदों को जानना जो है वह हमारे लिए जरूरी है। मगर उससे पहले जो है हम 20वें पद को पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:20 है, यहां लिखा है अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सात सोने के दीपटों का भेद, वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस पद में मुख्य रूप से जो है जो भाग हैं वो क्या है, पहला भाग है सात तारे और दूसरा भाग है सात दीवट। ध्यान दीजिएगा कि सात तारे और सात दीवट ये दो भाग हैं और इन दोनों भागों के भेद जो हैं वो इसमें खुले हुए हैं। परंतु पहला हम बात करेंगे कि सात तारों के विषय में। जी हाँ, सात तारों के विषय में आप ध्यान कीजिएगा, सात तारों के विषय में जो है पिछले संदेश में हम लोग तारों के विषय में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, इसलिए इस जो जो ये भेद है सात तारों का इसके बारे में भी हम सिर्फ यहां पर रिवीजन करेंगे और हम दूसरे भेद की डिटेल में जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा सात तारों के विषय में रिवीजन कर लेते हैं। मलाकी 2:7 में क्या लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा का दूत जो है वो याजक को कहा गया है कि याजक को चाहिए और उसको बताए कि लोग जो है उससे व्यवस्था को सीखने आते हैं, पूछने आते हैं, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। मलाकी 2:7 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। यहाँ दूत का अर्थ जो है संदेश वाहक, यानी संदेश वाहक है वो, परमेश्वर का जो है संदेश वाहक कहा गया है। फिर लिखा हुआ है जैसे उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 9-11 पद में हमने क्या पढ़ा था कि यूसुफ ने जो सपना देखा, चांद तारे और 11 तारे जो हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो 11 तारे जो हैं वो उसके भाई को दिखाते हैं। फिर यशाया 14:12 में हमने क्या पढ़ा था कि जो सरदूत था, जो करूब, जो छा जाने वाला फरिश्ता था, वो जो था भोर का तारा कहलाता था, परंतु जब पाप उसके जीवन में आया तो वो इस पृथ्वी पर वो और उसके दूध गिरा दिए गए। तो ये उपाधि जो थी भोर के तारे की जो थी वो अब प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब हम प्रकाशित वाक्य 22:16 पढ़ेंगे तो वो उपाधि जो है प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रकाशित वाक्य 2:28 पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जय पाएगा मैं उसे भोर का तारा दूंगा, यानी अपने आप को देने की बात करता है वहां पर। जब इसमें आएंगे तो इसके भेद को भी समझेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और भजन संहिता 147 उसके 4 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है 4 पद में कि वो तारों को गिनता है और हर एक तारे का जो है वो नाम रखता है, हर एक तारे का नाम उसने रखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य 1:20 में क्या है, ये सात तारे जो हैं ये क्या है, ये सात तारे जो हैं सात कलीसियाओं के दूत हैं।
जी हाँ, प्रकाशित वाक्य जब 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां 7 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाओं के दूत हैं। उन 7 कलीसिया जो हैं वो उन 7 कलीसियाओं के ये 7 संदेश वाहक हैं, और इन 7 संदेश वाहकों को जो है परमेश्वर जो है अपने संदेश दे रहा है, उनको सलाह दे रहा है, उनको बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे काम करना है, कि परमेश्वर का काम कैसे होना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में जो है परमेश्वर बताता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग के विषय में। देखिए यहां पर क्या है, 7 दीवट हैं। जी हाँ, 7 दीवट जो है वो देखा है, और हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद भी पढ़ा है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या पढ़ा है, हम पहले इस पद को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 12 और 13 पद है, तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सादृश्य एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। जी हाँ, ये जो है 7 दीवटों के बीच में जो है जो फिर रहा है, जो घूम रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह का जो है ये याजकीय रूप है। पिछले संदेश में हमने ये चीज देखा था कि उसका ये याजकीय रूप है जो प्रभु यीशु मसीह जो है, मनुष्य का पुत्र का मतलब है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बात जो है वो कही जा रही है। अब यहां पर जो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 20 पद में क्या लिखा हुआ है, ये जो 7 दीवटें हैं ये क्या है, ये 7 कलीसियां हैं। अब इसको समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन 7 दीवटों का जो प्रगटीकरण है 7 कलीसियाओं के रूप में जो है, जो इसका भेद है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये कलीसियाएं जो है कहां पर हैं, किस तरीके से स्थापित की गई हैं। इन दीवटों के बारे में हम लोगों ने पिछले संदेश में भी बातचीत करी है, परंतु यहां रिविजन करना जरूरी है, क्योंकि जब जो बात जिस पद के साथ जुड़ी होती है उसका रिविजन होना जरूरी होता है, चाहे वो 10 बार आई हो मगर उसको 10 बार हमें रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कहते हैं कि ये कहां पर हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में 7 दीवटों का अर्थ क्या है, और क्या इसका भाग कहां पर है, इसका स्थान कहां पर है, इन चीजों को जो है बहुत जानना है। तो सबसे पहला जो भाग है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 20 पद का में कई भाग हो सकते हैं, तो इन भागों में सबसे पहला जो भाग है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, 7 दीवट के बारे में जो है उसको देखेंगे। यहां लिखा है, तो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 12-13 पद पढ़ा कि कैसे जो है 7 दीवट जो है वो यूहन्ना देखता है, सोने की 7 दीवट देखता है, और उसके बीच में यीशु मसीह को याजकीय रूप में जो है, महायाजकीय रूप में जो है वो उसको देख रहा है, उसका दर्शन पा रहा है। जी हाँ, ये 7 दीवट कहाँ हुआ करती थी, जब आप निर्गमन 25 अध्याय उसका 31-40 पद पढ़ेंगे, जब आप निर्गमन 37 अध्याय उसका 17-24 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा तंबू का मंदिर बनवाया तो वहां पर जो थे 3 स्थान होते थे, एक आंगन होता था, एक पवित्र स्थान होता था, और एक महापवित्र स्थान होता था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा पड़ा होता था, और उस पर्दे के इस तरफ यानी पवित्र स्थान में जो थी वो 7 दीवट जो थी वो रखी जाती थी, और ये 7 दीवट जो है जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन कहता है ये 7 दीवट जो थी ये प्रत्येक दिन जो थी वो जलाई जाती थी, आगे इसको देखेंगे। अब यहां क्या है, यहां पर जो बात हो रही है ये स्वर्गीय पवित्र स्थान का नमूना था। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पवित्र स्थान मूसा के द्वारा बनाया गया था ये स्वर्गीय जो पवित्र स्थान है या स्वर्गीय जो मंदिर है ये उसका हर एक चीज जो भी उसके अंदर रखी थी हर एक चीज का नमूना जो था वो तंबू के मंदिर में या तंबू वाला जो आराधना का स्थान हुआ करता था वो नमूना था उसका स्वर्गीय स्थान का। यहां लिखा है निर्गमन 25:9 में, अब ध्यान दीजिएगा, निर्गमन मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं जो उसमें जो मुख्य पॉइंट आया है, निर्गमन 25:9 में, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार
तुम लोग उसे बनाना। देखिए मैं वही बता रहा हूं ना, मैं आपको रेफरेंस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि परमेश्वर क्या है कि वो हर एक चीज का नमूना दिखाए। देख ये चीज ऐसे बननी है, ये चीज ऐसे बननी है, इसमें ये वाला धागा रखना है, इस रंग का लगना है, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, सारी चीज जो स्वर्गीय स्थान में जो मंदिर है ये उसका नमूना था और उसी के अनुसार उसने बनाया। तो सात दीवट जो थी, सात दीवटों का भी नमूना था। अब क्योंकि यूहन्ना जो है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कहां देख रहा है? पृथ्वी के मंदिर में नहीं देख रहा है, बल्कि स्वर्गीय मंदिर में देख रहा है। और इसलिए स्वर्गीय मंदिर की उन चीजों को, उन बातों को समझना इसलिए जरूरी है जब हम पृथ्वी की उस नमूने को समझेंगे। इसलिए जब हम पृथ्वी के नमूने को समझेंगे जो इस पृथ्वी पर है, तो हम स्वर्गीय जो रियल है, जो हकीकत में है, उसको समझ पाएंगे। जो रियल है, जो हकीकत है, उस चीज को तब हम समझ पाएंगे हाँ ये क्या चीज है। देखिए नमूना क्या होता है, नमूना वो चीज होती है कि कोई एक चीज है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर से कोई एक लेटर टाइप करवाया, लेटर रखा, अब वो लेटर आपने लिखा, अब उस लेटर के आपने क्या करा, फोटोकॉपी करवाई। अब फोटोकॉपी का मतलब क्या है, फोटोकॉपी अगर मान लीजिए आपका ओरिजिनल नहीं है, खो गया या फट गया या नहीं मिल रहा है, आपके पास उसकी फोटोकॉपी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फोटोकॉपी है उसकी ओरिजिनल कॉपी थी ना, तभी तो ये आपके पास उसकी फोटोकॉपी है। तो सेम चीज जो पृथ्वी पर जो तंबू बनाया गया था वो क्या है, वो फोटोकॉपी है। किसकी फोटोकॉपी है? स्वर्गीय पवित्र मंदिर की, और उसके अंदर हर एक चीज की जो रियल है, और उसकी फोटोकॉपी जो है इस पृथ्वी पर जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाई। अब आपके समझ में आ गया। निर्गमन 25:40, तंबू में जितनी भी चीजें थी सब स्वर्गीय वस्तु का नमूना था, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए मैं आपको रेफरेंस भी इसलिए दे रहा हूं, हालांकि बताने के बाद भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप बाइबल में अच्छे से पढ़ लें, आप समझ लें इस चीज को कि प्रकाशित वाक्य में जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो इस पृथ्वी की नहीं है, वो स्वर्गीय वस्तु की, वो रियल चीजों के बारे में अब बात हो रही है। देखिए प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का मतलब होता है कि रियल चीजों के बारे में बात हो रही है, जो सत्य है, जो हकीकत में है, उन चीजों की बात हो रही है। वो फोटोकॉपी नहीं है, वो जो है ओरिजिनल कॉपी की बात हो रही है, वो ओरिजिनल चीज की बात हो रही है यहां पर। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी। तो सात दीवट जो है वो ओरिजिनल दीवटों की बात हो रही है जो स्वर्ग में है। फोटोकॉपी तो यहां पृथ्वी पर है, अब ओरिजिनल चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। प्रकाशित वाक्य कोई मामूली चीज नहीं है, ओरिजिनल चीजों के बारे में बात कर रहा है। ओरिजिनल जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप क्या देख रहे हैं, उसका ओरिजिनल परमेश्वरीय रूप देख रहे हैं आप, उसका जो हकीकत है। पृथ्वी पर जिसने देखा उसका मनुष्य रूप भी देखा, और उसका जो है अब ईश्वरीय रूप जो है वो दर्शाया जा रहा है। तो ओरिजिनल चीजों से हमारा क्या हो रहा है, अब वास्ता हो रहा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ जब हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। फिर पॉइंट है, जब हम पढ़ेंगे दीवट भी स्वर्गीय वस्तु का नमूना है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, जब आप गिनती 8 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे, जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। जी हाँ, एक दीवट था, उसके अंदर 7 जो थे दीवट बनाए गए थे। और वो क्या कहता है कि जो नमूना दिखाया था है मूसा को, देख ये स्वर्गीय नमूना, यानी स्वर्गीय का जो दीवट है वो दिखाया उसे कि इस दीवट के अनुसार तू बनाना। देखिए दर्शन जो है वो पहले मूसा देख रहा है, जैसे यूहन्ना दर्शन देखता है ओरिजिनल चीजों का, तो उसने ओरिजिनल चीजों का दर्शन देखा है और अपने जहन में, अपने माइंड में उसको हर एक चीज को परमेश्वर ने वैसे ही बैठाया और उसने वैसे ही कॉपी करी है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप अपने लेटर की कोई फोटोकॉपी कराते हैं तो आपकी फोटोकॉपी में और क्या कहते हैं ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम जब पढ़ते हैं तंबू के मंदिर के सारे सामान का जो है, स्वर्गीय मंदिर के सामान का जो नमूना, अभी हम नमूने की बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम कलीसिया के साथ भेदों को जो है अच्छे से समझ जाए। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। जी हाँ, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद,
जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा, पुराने नियम में, प्रकाशित वाक्य में, पत्रियों में, कि जो नमूना बनाया गया, हम प्रतिबिंब की बात आराधना कर रहे हैं, हम प्रतिबिंब को मान रहे हैं, परंतु ओरिजिनल स्वर्ग में रखा हुआ है, ओरिजिनल स्वर्ग में है। और परमेश्वर कहता है कि जो दिखाया गया उसके अनुसार, जो नमूना बनाया गया उसके अनुसार है। और यहाँ जो है प्रकाशित वाक्य, जब हम एक अध्याय उसका 12-13 पद पढ़ते हैं तो वहां पर वो है 7 दीवट जो हैं, वो ओरिजिनल दीवट को का दर्शन कर रहा है। ओरिजिनल दीवटों के बीच में जो 7 सोने की दीवट है उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय रूप को देख रहा है। बड़ा भेद है उसके अंदर, आप पिछले संदेश को सुने, क्या भेद है, खोले गए हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, वो उस चीज को देख रहा है। और यहाँ पर जो है जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, इब्रानियों 9 उसके 24 पद को जब देखते हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आप ध्यान करना, प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया। आराधनालय जो थे वो पवित्रता अलग चीज होती थी, और जो मंदिर हुआ करता था वो अलग होता था। देखिए, मंदिर में और आराधनालय ये अलग होते थे, वहाँ आराधना करने किसी भी समय जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे, परंतु जो परमेश्वर का मंदिर था, जैसे तंबू का जो मंदिर था या सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उसमें हर चीज का एक टाइमिंग था, हर एक चीज का एक सिस्टम था, उस सिस्टम के अनुसार जाते थे, और वहाँ उपदेश नहीं होते थे बल्कि बलिदान चढ़ाए जाते थे। और आराधनालय में जो था वहाँ क्या थे, वहाँ उपदेश होते थे, वहाँ चर्चा होती थी परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की बातों की, वहाँ इन सब चीज़ों का, जैसे आजकल चर्च में जो होता है उस तरीके से होता था। तो यहाँ जो है ये चीज़ों को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करा जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, या परमेश्वर ने मूसा को जो नमूना दिया था उसका बनाया, उसने ओरिजिनल में प्रवेश करा, ओरिजिनल मंदिर में। और ओरिजिनल मंदिर कहाँ है, स्वर्ग में। जी हाँ, हम पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ते जाएंगे तो स्वर्ग ओरिजिनल मंदिर की भी बात आएगी, तो उसको भी देखेंगे, मगर अभी यहाँ ये समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए यूहन्ना कहाँ दर्शन देख रहा, उस ओरिजिनल मंदिर के पवित्र स्थान का दर्शन देख रहा है, जहाँ सोने की 7 दीवटें हैं, और वहां पर वो परमेश्वर का, वहां परमेश्वर तो है, मगर वो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है अब महायाजकीय रूप में जो है उस मंदिर के अंदर प्रकट हो रहा है। अब उस मंदिर में जो था वो 7 दीवटें जो थी रखी जाती थी, और इन दीवटों को परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमेशा उसके ऊपर दीपक जो थे वो रखे जाते थे। इसको देखेंगे अभी बाद में। यहाँ जकरिया का दर्शन है, जकरिया को जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, आप निकाल सकते हैं जकरिया 4 अध्याय निकाल लीजिए, 1-14 तक है, परंतु हम 11-14 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाई ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की हैं? दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये जो 2 पुरुष हैं, ये कौन है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं? जी हाँ, इन 2 पुरुषों को लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत से लोग कहते हैं ये मूसा और एलिया हैं, बहुत से कहते हैं ये मूसा और हनोक हैं, बहुत से कहते हैं हनोक और एलिया हैं, बहुत से कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये 2 पुरुष कौन है। मगर ये 2 पुरुष कहाँ खड़े हैं? दीवटों के पास में, दीवट जो है, जो स्वर्गीय स्थान में दीवट है, उसके दाहिने और बाएं। अब ये स्वर्गीय स्थान की दीवट क्या है जो प्रकाशित वाक्य में खोला गया, यानी 7 कलीसियाएं। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है,
अब इस दीवट के जो सात दीवट हैं इनके रहस्य को अगले संदेश में हम और सीखेंगे कि इन दीवटों का और क्या रहस्य है। देखिए सात तारे ये क्या है, ये सात दूत हैं जो संदेश भाग हैं, सात इन कलीसियाओं के संदेश भाग हैं। परंतु ये जो दीवट है और कलीसिया को जो दीवट कहा गया है इसका क्या भेद है, इसके भेद को समझने के लिए इंतजार कीजिए अगले संदेश के लिए, ताकि इसके भेद को समझ सकें कि इन सात कलीसिया और सात दीवट का और क्या भेद हो सकता है। इसके साथ हमारे इसको अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।